हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं चुकंदर की हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करें। जिसमें लगने वाला इंग्रेडिएंट्स है, चीनी है 25 ग्राम के लगभग चीनी है, चुकंदर 2 लिए हैं, और एक मखाना है, 2-4 किशमिश के दाने, काजू के, और मूँगफली जिसको मैं भून करके इसको ग्राइंड कर लूँगी, और चुकंदर को मैं कट करके इसको भी 1 मिनट के लिए हल्का सा ग्राइंड करूँगी। छिलका हिस्सा हटा करके गैस मैं ऑन कर रही हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है पैन। उसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी हल्का सा। ये जब गर्म हो जाएंगे तो मैं इसमें मूँगफली डाल करके भूनूँगी। उसके बाद में मैं उसी में मखाना भी डालकर भून करके उसको ग्राइंड कर लूँगी। जब गर्म हो जाएंगे तो मैं भूनूंगे और ग्राइंड करके आपको मैं अभी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने किशमिश भी मिक्स कर दिए हैं पहले से, और ये चुकंदर को जो मैं आपको बताया कि छिलका हटा करके इसको मैं हल्का सा 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर ली हूँ। मैं इधर पैन में घी पहले गर्म करूँगी, 1 स्पून के लगभग घी डालूँगी। थोड़ा सा मैं पहले डालती थी कढ़ाई गर्म है कि नहीं ये चेक करने के लिए। लगभग 1 से 1.5 स्पून के लगभग आप भी घी ऐड करें। घी जब अच्छे से ऐड हो जाए, गर्म होने लगे, तब आप इसमें चुकंदर को अच्छे से ग्राइंड किया हुआ अंदर भून लेंगे। आप देख सकते हैं घी गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें अब चुकंदर डालूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। देखिए घी गर्म हो चुके हैं, हल्का हल्का तड़क रहा है। अब इसी तरह से तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अगर एक एक चम्मच भी कर रहा है ब्लड की कमी नहीं होती है चुकंदर खाने से। इसकी बेनिफिट तो आप लोग को मालूम ही होगा, बहुत सारी बेनिफिट होती है चुकंदर खाने से। इसकी जूस भी बहुत अच्छी बनती है। अभी तक सीजन है इसलिए चुकंदर अभी मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद इसको 2 मिनट के लगे मैं इसको भूनूँ, 2 से 3 मिनट के लगे। फिर देखो उबालने लगेगी, जब भी मैं बनाएगी तो बहुत ही टेस्टी इसके हलवे होते हैं। आप लोग भी बनाएं तो बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाएंगे। ऐसे तो चुकंदर बच्चे भी अधिक पसंद करते हैं, लेकिन आप हलवा बना करके देंगे तो एकदम बड़े ही चाव से खाएंगे। तो अच्छे से भूने जितना रखें, अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। एक भून चुके हैं, मैं इसमें चीनी थोड़ा सा ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी चीनी। अभी आपको अधिक लग रहे होंगे, लेकिन ये जैसे जैसे पक लेंगे वैसे मेल्ट हो जाएंगे। इसके तो लिए वजन में 200 ग्राम के लगभग चुकंदर होंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, इलायची का पाउडर, 2-3 इलायची को मैंने कूट करके उसका पाउडर बना लिया है, उसे भी मैं इसमें डाल लूँ। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। देख सकते हैं इसमें किशमिश भी रखा हुआ है। बस मैं 1 से 1 मिनट के लिए इसको मैं जब देख सकते हैं, मैं गैस ऑफ करूँगी और इसे मैं सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने किशमिश ऑलरेडी पहले से डाल चुकी हूँ। अब काजू से इसे गार्निश करें और अपनी फैमिली में बात करके खाएं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है, खाने में भी इतनी खूबसूरत अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। स्वास्थ्य टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है।
प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें, कैसा बना मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।